नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम आरओ और एआरओ भर्ती घोटाला। हाल ही में हुई उत्तर प्रदेश विधानसभा और विधान परिषद में हुई समीक्षा और सहायक समीक्षा अधिकारियों की भर्ती सवालों के घेरे में है। केन्यूज ने बाकायदा इस बात का खुलासा किया था कि किस तरह से एक पूरे मामले में ऐसे लोग शामिल हैं जो पहले से ही अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की एक परीक्षा में धांधली के आरोप में गिरफ्तार हैं। इस पूरे खुलासे के बाद तमाम धांधली करने वाले लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं। देखिए भर्तियों में हुई धांधली पर एक खास रिपोर्ट। कानून के मंदिर में तोड़े गए कानून, आरओ और एआरओ परीक्षा में धांधली। 2 लाख बच्चों को दिखाया बाहर का रास्ता, अपनों की नियुक्ति का बनाया मास्टर प्लान। यूपी विधानसभा और विधान परिषद ने 87 पदों पर हुई नियुक्तियों की चर्चा विधानसभा से लेकर राजनीतिक गलियारों में हो रही है। नियुक्ति करवाने की जिम्मेदारी लेने वालों पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप है कि विधानसभा और विधान परिषद में बैठे जिम्मेदारों ने अपने ही परिवार वालों की नियुक्तियां करवा दी। विधानसभा अध्यक्ष के पीआरओ, प्रमुख सचिव विधान परिषद, प्रमुख सचिव संसदीय कार्य मंत्री और सीएम दफ्तर में तैनात एक अफसर पर भी आरोप है कि भर्ती में इन सभी लोगों के परिवार के सदस्यों की नियुक्ति सेटिंग करके करवाई गई। इस परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थी चीख चीख कर कह रहे हैं कि इस मामले की जांच करवाई जाए, पर जिम्मेदार खामोश हैं। फिलहाल अब ये पूरा मामला कोर्ट पहुंच चुका है। 2020 में विज्ञापित विधान परिषद और विधानसभा की लिखित परीक्षा व मुख्य परीक्षा में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार हुआ है। हम सब विद्यार्थियों ने सरकार से निष्पक्ष जांच की गुहार लगाई थी, लेकिन सरकार ने इस पर कोई कार्यवाही नहीं की। माननीय उच्च न्यायालय से हम लोग का अनुरोध है कि इस पर निष्पक्ष जांच कराई जाए और जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ उसकी लिस्ट दी जाए और उनकी ओएमआर भी दिखाई जाए। विधान परिषद और विधानसभा में अक्टूबर और दिसंबर के महीने में समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की नौकरी निकली थी, जिसमें हमने बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया और हम एग्जाम भी दिया, और पर दुर्भाग्य से हम लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि इसमें बहुत बड़े पैमाने पर धांधली की गई थी। हमने इसकी शिकायत राष्ट्रपति जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, विधानसभा, विधान परिषद में सभी लोगों को की, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि इसमें उन लोगों ने अपने लोगों का चयन कर लिया। जो ऑफिसर्स थे या जो एजेंसी एग्जाम करा रही थी, उन्होंने अपने लोगों का ही चयन कर लिया। हमने इसकी शिकायत फिर भी मुख्यमंत्री जी को की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। और बहुत से बच्चों ने ब्लैंक कॉपी छोड़ी गई थी इसमें, जिनका सिलेक्शन इस नौकरी में किया गया। मैंने विधानसभा और विधान परिषद दोनों का आरओ एआरओ का पेपर दिया था। मैंने देखा कि जब मैंने मेंस एग्जाम दिया था विधान परिषद में, तो वहाँ पर काफ़ी लोगों ने ओएमआर ब्लैंक छोड़ी थी। साथ के साथ मैंने उन्हीं लोगों को विधान परिषद की जब टाइपिंग टेस्ट हुआ तो वहाँ पर भी देखा। ठीक है, ऐसा ही हमारे साथ कुछ विधानसभा के एग्जाम में हुआ। विधानसभा मेंस में भी काफ़ी लोगों ने ओएमआर ब्लैंक छोड़ी थी। मुझे लगता है कि काफ़ी इस एग्जाम में काफ़ी धांधलीबाजी हुई है और मेरा मुख्यमंत्री जी से अनुरोध है कि इसकी सीबीआई जाँच कराई जाए। पूरा मामला जब हाई कोर्ट में पहुंचा तो हाई कोर्ट ने भी इस पूरे मामले में राज्य सरकार से 10 दिनों के अंदर सारे रिकॉर्ड मांगे, सरकार से जवाब दाखिल करने को कहा। लेकिन उस जवाब से कोर्ट कितना संतुष्ट होगा ये 5 जुलाई को पता चलेगा। पर हाई कोर्ट में पैरवी कर रहे परीक्षार्थियों के वकील ने रिजॉइंडर फाइल करने के लिए 2 दिन का वक्त मांगा है। पूरे मामले को अगर परत दर परत समझें तो आपको समझ में आ जाएगा कि परीक्षा में कुछ तो झोल जरूर है। दरअसल दिसंबर 2020 में वैकेंसी निकाली गई, जिसमें 2 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया। भर्ती का जिम्मा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की नोडल एजेंसी बेसिल को मिला। बीएसएल ने टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड और राभव लिमिटेड को काम दिया। राभव लिमिटेड पहले से ही कई भर्तियों में धांधली कर चुकी है। आरपी सिंह राभव लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। टीएसआर डाटा प्राइवेट लिमिटेड को भी जिम्मेदारी मिली। रामवीर सिंह और सत्यपाल सिंह कंपनी में डायरेक्टर हैं। राम प्रवेश, सत्यपाल, रामवीर पहले से ही जेल में हैं। यूपी SSSC में ग्राम विकास अधिकारी भर्ती में धांधली के आरोप हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से पहले से ही ऐसे व्यक्तियों को भर्ती की जिम्मेदारी दी गई थी जो पहले से ही
धांधली में एक्सपर्ट हैं। बेसिल भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय की नोडल एजेंसी है, जो कि अपने वेंडरों से काम करवाती है। भर्ती में धांधली करने वाले लोगों को ये पहले से पता था कि टीएसआर और राघव पहले से इम्पैनल हैं, जो ये खेल बड़ी आसानी से निपटा लेंगे और किसी को कुछ शक भी नहीं होगा। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, उन 2 लाख आवेदनकर्ताओं की लिस्ट में चयन हुए लोगों के नाम देखकर ही लोग सवाल करने को मजबूर हो रहे हैं। यही नहीं, अभ्यर्थियों ने कोर्ट में जो ओएमआर शीट फाइल की उसे देखकर आप भी चौंक जाएंगे, जिसमें 7 से 8 सवाल के जवाब देने वाले सिलेक्ट हो गए और 75 से 80 सवालों का जवाब देने वालों को इंटरव्यू तक में नहीं बुलाया। ऐसा नहीं है कि ये सवाल भर्ती के बाद उठाया जा रहा है, परीक्षा के फौरन बाद ही परीक्षा सेंटर के बाहर हंगामा हुआ, धांधली को लेकर के बवाल हुआ, जिसके बाद मौके पर पुलिस भी पहुंची थी। अब मामले की सुनवाई 5 जुलाई को कोर्ट में होनी है। ऐसे में कोर्ट 2011 की तरह परीक्षा रद्द कर मामले की सीबीआई जांच के आदेश भी दे सकता है। स्के न्यूज के लिए लखनऊ से मनीष पांडे की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट देखने के बाद आपको साफ तौर पर पता चल गया होगा कि जिस तरह से के न्यूज ने आरओ और एआरओ भर्ती को लेकर सवाल उठाए थे, वो कहीं ना कहीं सवाल अब कोर्ट तक जा पहुंचे हैं। कोर्ट ने इस पर सरकार को तलब भी किया है, 10 दिनों में जवाब देने की बात भी कह दी गई है। लेकिन यहाँ पर बड़ी बात यह है कि पारदर्शिता की जब बात होती है, जब ये बात होती है कि भर्ती हुई है, तो कहीं ना कहीं उसके तमाम सवालों के जवाब उन तमाम लोगों को मिलने चाहिए जिनके पास इन सवालों के जवाब नहीं है। वो तमाम अभ्यर्थी जिन्होंने कहीं ना कहीं एप्लीकेशन दी थी और अब उनको ऐसा लग रहा है कि इस मामले में धांधली हुई है, उसके कई सबूत भी उन्होंने पेश किए हैं, उनका जिस तरह से आरोप है, ऐसे में उन तमाम लोगों के आरोपों पर कहीं ना कहीं संज्ञान लेने की आवश्यकता है। लेकिन सरकारें यहां पर लंबे समय तक खामोश नजर आई, जिसके बाद आखिर अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब कहीं ना कहीं सरकार के पास ये मजबूरी है कि 10 दिनों में यानी कि 5 जुलाई को अपना जवाब हाईकोर्ट तक उन्हें देना पड़ेगा, हाईकोर्ट को देना पड़ेगा कि किस तरह से भर्तियां हुई हैं। लेकिन पारदर्शिता की यहां हम बात करें तो साफ तौर पर पारदर्शिता की कमी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में हजारों सवाल खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हुए, मनीष पांडे जी रेजिडेंट एडिटर लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इसके अलावा नरेश अभ्यर्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिनसे उनका दुख और दर्द हम समझेंगे कि क्या परेशानी अभी भी बनी हुई है। इसके अलावा अनिल तिवारी सीनियर अधिवक्ता भी हमारे साथ बने हुए हैं और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले मनीष जी का रुख करेंगे। मनीष जी, सबसे पहले आपके पास ही आएंगे। जिस तरह से के न्यूज़ के माध्यम से लगातार हमने कई बार इस विषय को उठाया है, समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की इस भर्ती को लेकर जिस तरह से सवाल उठ रहे हैं, ऐसे में अब ये जब जवाब 5 जुलाई को आएगा, अभ्यर्थियों का लगातार ये कहना है कि कहीं ना कहीं पारदर्शिता बरकरार नहीं रखी गई है और मजबूरी में अब सरकार को जवाब देना पड़ेगा। क्या कुछ आपको लग रहा है, क्या 5 जुलाई को न्याय हो पाएगा इन अभ्यर्थियों के साथ? देखिए प्रियंका, निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मामला है और मामला वहाँ का है, वो कानून का मंदिर, जिसे मुझे लगता है विधानसभा को कानून का मंदिर कहा जाता है, जहाँ पर कानून बनाए जाते हैं, वहीं से प्रदेश का नेतृत्व होता है, वहीं से दिशा और दशा तय की जाती है। बहुत सारी जिम्मेदारी है और बड़ा ही, अगर एक तरह से कहा जाए कि लोकतंत्र का मंदिर है, लेकिन आप ये समझिए कि वहीं पर जहाँ कानून बनाए जाते हैं, अगर वहीं कानून तोड़ने लगे वहाँ के अफसर, तो फिर स्थिति क्या होगी। आरओ और एआरओ की भर्ती परीक्षा में भी इसी तरह की धांधली हुई है लगातार, जो उसके अभ्यर्थी थे, आप बीच में आपने वो वीडियोस भी दिखाए हैं हमने, जो बच्चे जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं, कि इन सबों ने उसी वक्त हंगामा करना शुरू किया कर दिया था जब परीक्षा हुई थी। बहुत सारे सवाल होते थे, हमने पैकेज में दिखाए, और थोड़ा सा मैं चूंकि जो दर्शक हैं उन्हें भी ब्रीफ कर दूं कि धांधली कैसे हुई है। चूंकि धांधली सब हुई है, लगातार ये लोग कह रहे हैं, और हालांकि 10 दिन के अंदर हाईकोर्ट ने जो पटिशन फाइल की गई थी, दो अभ्यर्थियों ने पटिशन फाइल की थी, उसके जवाब में कोर्ट ने सारे डॉक्यूमेंट मंगाए थे और एक काउंटर भी दाखिल कर दिया गया। उसके लिए हमारे साथ अनिल त्रिपाठी जी हैं, जो उस पूरे मामले पे बताएंगे हमको। लेकिन थोड़ा सा मैं दर्शकों को समझाना चाहूंगा कि ये धांधली क्यों कह रहे हैं कि धांधली हुई है। परीक्षार्थी कह रहे हैं कि धांधली हुई, उन्होंने तमाम गुहार लगाई, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, प्रधानमंत्री को पत्र लिखा, विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा, प्रमुख सचिव विधानसभा से मिले, सबसे मिले, लेकिन इस मामले में कोई जांच नहीं कराई गई। और लगातार दूसरी बात और यह समझिए कि जब मामला कोर्ट में चला गया, उसके बाद भी जो अफसर हैं, जो जिम्मेदार अफसर हैं, वो इस समय जो इन पूरी भर्तियों की धांधली के जो जिम्मेदार एक सबसे बड़े अफसर हैं, जो कि न्यायिक सेवा से आते हैं वो, और उन्हें मालूम है कि कानून को कैसे तोड़ा और मरोड़ा जाता है। तो एक तरफ मामला कोर्ट में चल रहा है, उच्च न्यायालय में मामला लंबित है, लेकिन दूसरी तरफ जो परीक्षार्थी सेलेक्ट हुए हैं
उनको उनके उनकी ज्वाइनिंग कराई जा रही है। दो तीन चीज़ें मैं प्रियंका थोड़ा समझाना चाहूँगा कि थोड़ा सा समझ में ही आ जाए लोगों को, दर्शकों को जो कार्यक्रम देख रहे हैं कि धांधली हुई कैसे। विधानसभा और विधान परिषद में सहायक समीक्षा अधिकारी और समीक्षा अधिकारियों की नियुक्ति के लिए विज्ञप्ति निकलती है। तकरीबन 2 लाख परीक्षार्थी उत्तर प्रदेश के जो परीक्षार्थी हैं, जो बेरोजगार हैं युवक, वो जो लगातार काफ़ी समय से तैयारी करते हैं, उन्होंने इस परीक्षा में आवेदन किया। आवेदन के बाद जब रिजल्ट आता है तो उस रिजल्ट पर सवाल उठने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उनके साथ के, जैसे अगर बगल में कोई परीक्षार्थी कोई परीक्षा दे रहा है तो बाहर निकलता है तो अमूमन बात करता है कि आपने कितने क्वेश्चन किया, आपने कितने सवाल किया। तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो उन्होंने कोर्ट में रखे हैं परीक्षार्थियों ने, कि जिन्होंने 7 और 8 क्वेश्चन किए उनका सिलेक्शन हो गया, उनको इंटरव्यू के लिए बुला लिया गया, उनको टाइपिंग के लिए बुला लिया गया, उनका चयन हो गया, लेकिन जिन्होंने 80 से 85 क्वेश्चन किए उन्हें बाहर कर दिया गया। तो ये प्रक्रिया पर सवाल उठा। दूसरी तरफ आप बता, आपको समझा दें कि कैसे ये प्रक्रिया शुरू कैसे हुई, भर्ती प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। देखिए, विधानसभा और विधान परिषद में जो भर्तियां होती हैं उसी जब सचिवालय में ही भर्तियां होती हैं तो उसके लिए लोक सेवा आयोग है, लोक सेवा आयोग बाकायदे परीक्षाएँ आयोजित करता है, उस पर अभी तक सवाल नहीं उठे हैं। लेकिन यहाँ पर भारत सरकार की एक जो नोडल एजेंसी है बेसिल, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय की ये नोडल एजेंसी है, कुछ दिन तक सीएम का पीआर भी देखा था, उत्तर प्रदेश में और बहुत सारे काम हैं और हम खासकर सोशल मीडिया से जुड़े और डिजिटल चीज़ों से जुड़े ज़्यादा प्रोजेक्ट करती है ये, तो उसे बेसिल को काम दिया गया। बेसिल क्या है कि बेसिल एक नोडल एजेंसी है, वो कोई काम करती नहीं है, वो काम अपने वेंडरों से कराती है जो उनके यहाँ वेंडर रजिस्टर्ड होते हैं। वहां पर 2 वेंडर रजिस्टर कराए जाते हैं, एक राघव लिमिटेड और दूसरा जो दूसरी कंपनी है वो टीएसआर डाटा प्राइवेट लिमिटेड। राघव लिमिटेड जिसके ऊपर अभी तक कॉपरेटिव की भर्तियों में लगभग मुझे लगता है कि 6-7 भर्तियों में 4 सीटेड हैं, मुकदमा चल रहा है, एफआईआर दर्ज हो गई है। दूसरा टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड जिसका अभी तक कोई भी प्रदेश में इसके पहले उसने कोई एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कराया, कोई भी इस तरह की परीक्षा किसी तरह की प्रक्रिया कराई नहीं। टीएसआर और राघव को काम दिया जाता है। अब देखिए, यही से कहानी शुरू होती है। विधानसभा अध्यक्ष जी की तरफ से भी एक बयान आया था कि उन्होंने तो एक निजी एजेंसी को दिया था, परीक्षा कराई थी और निजी एजेंसी ने जो भी किया होगा। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि निजी एजेंसी को अगर उन्होंने दिया था तो जो उनके पीआरओ हैं उनके भाई का सिलेक्शन कैसे हो गया, जो प्रमुख सचिव विधान परिषद हैं उनके बेटे का सिलेक्शन कैसे हो गया, उनके परिवार के सदस्य का कैसे हो गया सिलेक्शन, सीएम के एक ओएसडी हैं उनके परिवार के एक व्यक्ति का सिलेक्शन कैसे हो गया, और सबसे बड़ी बात जो अभी संसदीय कार्य प्रमुख सचिव संसदीय कार्य एक नया पद सृजित हुआ है उनके परिवार के एक सदस्य का चयन हो गया। फिर दूसरी तरफ आते हैं कंपनी की तरफ, ये तमाम वो लोग हैं जो सचिवालय जो विधानसभा और विधान परिषद में जुड़े हुए हैं। दूसरी तरफ अब देखिए राघव लिमिटेड में वहां पर जो आरपी यादव हैं, आरपी यादव कई मामले में पहले से भी आरोपी रहे हैं, पिछली सरकार ने भी बहुत सारी धांधलियां की थी, इनकी एजेंसी कई जगह से ब्लैकलिस्टेड है, लेकिन चूंकि बेसिल में इंपैनल थी इसलिए इसे काम दिया गया। ये दोनों लोग राघव और टीएसआर दोनों कंपनियां मिलकर काम करती है। टीएसआर के जो डायरेक्टर हैं वो एसपी सिंह हैं और रामवीर सिंह हैं, ये 2 डायरेक्टर हैं। अब एसपी सिंह का सगा भाई संजीव सिंह, उसका सिलेक्शन हो जाता है, उनका सगा साला जो है उसका सिलेक्शन हो जाता है। वहीं जो रामवीर सिंह है उनकी सगी भतीजी जिसका नाम रेनू है उसका सिलेक्शन हो जाता है, उनके सगा साला जो कमल है उसका सिलेक्शन हो जाता है। और यही नहीं, टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड जो कंपनी है उसमें जो ऑफिस का काम देखता है, जो पूरी लाइजनिंग करता था, पूरे ऑफिस असिस्टेंट था, सारा कुछ देखता था, मनोज कुमार तिवारी, वो टीएसआर डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड का एम्प्लॉई था, उसका सिलेक्शन हो जाता है। फिर आइए जो दूसरे आरपी यादव हैं, आरपी यादव जो राघव लिमिटेड के डायरेक्टर हैं, इन्होंने इनकी वाइफ का सिलेक्शन हो जाता है। इनके अलावा इनके पड़ोसी जो जयेंद्रनाथ चतुर्वेदी हैं, जब आप जो 2018 भर्ती परीक्षा जब हुई थी तो उसमें जब इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें आरोपी थे ये लोग थे, तो जब आरपी यादव को गिरफ्तार किया गया था तो गोमती नगर विस्तार में सरयू अपार्टमेंट में जहां वो रहते हैं इनके ठीक बगल वाला फ्लैट जो है ये जयेंद्रनाथ चतुर्वेदी का है, इनका सिलेक्शन हो जाता है। तो ये सब कुछ सारा कुछ साले साक्ष कोर्ट में दिए जा चुके हैं, माननीय उच्च न्यायालय के सामने रखे जा चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी भी जो यहाँ से काउंटर फाइल किया गया है उसमें ये कहा जा रहा है कि उन्होंने उनकी तरफ से कोई गलती नहीं है, उनकी तरफ से कोई धांधली नहीं की गई है, उन्होंने तो काम बेसिल को दिया था। तो आप समझ सकते हैं कि ये पूरा एकदम बिल्कुल एक मास्टर प्लान था कि जिसे भेद पाना बड़ा ही मुश्किल था, समझ पाना बड़ा ही मुश्किल था। लेकिन सवाल तब उठने शुरू हुए जब इन भर्तियों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि उनसे पैसे की डिमांड की गई, ऐसे तमाम चीज़ें तथ्य भी सामने आए। लेकिन सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि इन 2 लाख बेरोजगारों ने जिन्होंने बड़ी उम्मीद के साथ इस परीक्षा में भाग लिया था उन्हें किसी न किसी माध्यम से बाहर कर दिया गया। अब वो लगातार सवाल उठा रहे हैं लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई भी जांच
एजेंसी या किसी भी तरह की जांच नहीं कराई जा रही है। फिलहाल मामला कोर्ट में है और कोर्ट अब देखिए क्या निर्णय लेता है 5 तारीख को, फिर 5 जुलाई को, फिर चूंकि जो कैंडिडेट्स थे उनकी तरफ से जो उनके काउंसलर हैं और काउंसिल हैं उन्होंने 5 जुलाई का समय तक का समय लिया है और वो भी काउंटर एफिडेविट रिज्वाइंडर उसमें फाइल कर रहे हैं। तो अब देखिए कोर्ट क्या फैसला लेता है, लेकिन ये तय है कि इतना बड़ा मामला सबके सामने साफ दिख रहा है, तमाम अधिकारियों ने अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने परिवार वालों को, अपने किसी ने अपनी पत्नी को, किसी ने अपने भतीजे को सिलेक्शन करा लिया, लेकिन फिर भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं हो रहा कि कोई धांधली हो रही है। जी हमारे साथ अनिल कुमार त्रिपाठी जी भी बने हुए हैं, सीनियर अधिवक्ता है। अनिल जी आपके पास आएंगे, जिस तरह से मनीष जी ने तमाम बातों को रखा है और के न्यूज के माध्यम से हमने कई बार इन बातों को साफ किया है कि किस तरह से यहाँ पर धांधली हुई है, अपने दर्शकों को भी समझाने का प्रयास किया है, आपको क्या लगता है कि ये तमाम जो जानकारी सबूत कहीं कहीं और रेफरेंसेस जो पेश किए गए हैं, इसके बाद कोर्ट से क्या फैसला आ सकता है, क्या ये जो तमाम अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एप्लीकेंट हैं जिन्होंने एप्लीकेशन डाली थी, क्या उनको न्याय मिल सकता है? निश्चित तौर पे न्याय मिलेगा और उत्तर प्रदेश का ये उच्चतम न्यायालय है, यहां से न्याय नहीं मिलेगा। यहां 95% लोग ऐसे हैं जो केवल हाईकोर्ट तक ही आ पाते हैं, 5% की संख्या ऐसी है जो दिल्ली दरबार जा सकती है, सुप्रीम कोर्ट में वो अप्रोच कर सकते हैं, चाहे वो आर्थिक दृष्टि से, चाहे उनके अपने अप्रोचेज हो। तो निश्चित तौर पे 95% लोगों को हाईकोर्ट से ही न्याय मिलता है और न्याय इसमें बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि हमारे पास इतने साक्ष्य हैं। मैं आज तक इस स्थिति में हूं कि मैंने इनकी जो ग्राम विकास अधिकारी एवं समाज कल्याण पर्यवेक्षक 1953 पद की भर्ती के प्रकरण में जो 11 अभियुक्तों को जो गिरफ्तारी हुई थी, जिसमें 44 लाख रुपए बरामद किए गए थे, उसकी बेल आज लगी हुई थी, उस बेल में आज 9 तारीख लगी, मैं उसमें भी अपोज कर रहा हूँ, उन लोगों की बेल अपोज कर रहा हूँ और उस बेल को लोअर कोर्ट में SIT के कोर्ट में मनोज पांडे जी है उनकी कोर्ट में लंबित है मामला, उसमें आज चार्जशीट फाइल हुई और सफिशियंट एविडेंस है कि ये जो TSR डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेटेड लिमिटेड के जो दोनों निदेशक हैं सतपाल सिंह और रामवीर सिंह, ये भर्ती घोटाले में संलिप्त हैं और इन्हीं की TSR डाटा प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड और ये दूसरी जो है TSR डाटा प्रोसेसिंग लिमिटेड और राघव लिमिटेड, दो ही लोगों ने इस एग्जाम को भी कंडक्ट कराया है। तो इन लोगों ने जो एग्जाम कंडक्ट कराया है, ये एक ब्लॉटेड कंपनी थी, ऑलरेडी ये लोग डायरेक्टर्स इसके जेल में हैं और 11 मुलजिमान जेल में हैं और उनसे 44 लाख रुपए बरामद हुए थे और सफिशियंट एविडेंस है उसमें, ये उसमें कि कैसे ये OMR सीट को कहाँ ले जाते थे, कहाँ सादा जमा कराते थे, उस MR सीट को वहां से भर दिया जाता था, उस MR सीट को भरने के बाद फिर उनको वापस किया जाता था, ये सारा सारा साक्ष्य ग्राम विकास अधिकारी वाली एग्जाम में आ चुका है और वही लोग हैं इस एग्जाम को कंडक्ट कराए हैं। इसमें जो है जो भी 87 भर्तियां हुई हैं, ये सब सब के सब आपस में मिली बंदरबांट की गई है और इसमें पर्दे के पीछे बहुत ही उच्च अधिकारी हैं जो कि उत्तर प्रदेश के जो मुखिया हैं उनको गुमराह कर रहे हैं और आज तक कोई भी जांच नहीं होने दे रहे हैं उसमें। इसमें इंक्वायरी होनी चाहिए, CBI इंक्वायरी हो जाए, सारी चीजें बाहर आ जाएंगी। ये पर्दे के पीछे इसमें बहुत बड़ी बड़ी हस्तियां हैं जिनके कैंडिडेट्स हैं, जिन लोगों का पैसे का कंसिडरेशन था या उनके कैंडिडेट्स का था और उन लोगों ने इस ब्लॉटेड कंपनी को काम दिलाया और उस ब्लॉटेड कंपनी ने पुनः वही काम किया जो ग्राम विकास वाले में किया था इन लोगों ने, उसमें भी धांधली की थी, उसमें साक्ष्य है, उसमें जेल में है, उसमें इन लोगों ने पैसा लिया था, सारे साक्ष्य बरामद हो चुके हैं। और राघव जी माफ कीजिएगा, यहाँ पर आपको कुछ समय के लिए रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो एक बार फिर से चर्चा करेंगे। लगातार RO और ARO घोटाले को लेकर हम यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं, तमाम साक्ष्य आपके सामने के न्यूज के माध्यम से भी हमने रख लिया है, आगे किस तरह का इस पर न्याय होगा उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोरोना महामारी में हर घर हर थाली में हो अन्न, तीरथ सरकार का ये है मिशन। इस संकल्प के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत योजनाओं को पूरा करने में जुटे हैं। राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत
13.95 लाख राशन कार्ड धारकों को नियमित रूप से प्रति यूनिट प्रति माह 2 किलो गेहूं एवं 3 किलो चावल वितरित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के कार्ड धारकों को इस महामारी के काल में नवंबर 2021 तक मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत लाभार्थियों को 3 किलो गेहूं एवं 2 किलो चावल प्रति यूनिट वितरित किया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के 13 लाख परिवारों के अतिरिक्त राज्य के लगभग 10 लाख राशन कार्ड धारकों को राज्य खाद्य योजना के अंतर्गत 20 किलो राशन, 10 किलो गेहूं और 10 किलो चावल 3 महीने मई, जून और जुलाई के लिए उपलब्ध कराया जा रहा है। राज्य के सभी 23.66 लाख सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लाभार्थियों को 2 किलो चीनी प्रति कार्ड 3 माह मई, जून और जुलाई के लिए वितरित की जा रही है। प्रवासियों को खाद्यान्न सुरक्षा प्रदान करने हेतु राज्य में वन नेशन वन राशन योजना को क्रियान्वित किया गया है। जानकारी हेतु हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें आप 1800-1800-4188 पर संपर्क कर सकते हैं। कोरोना के इस दौर में तीरथ सरकार है आपके साथ। हर घर राशन पहुंचाना, यही है तीरथ सरकार का प्रयास। सुबह के लिए उड़ चला घरों की जमीन पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से बात करेंगे। लगातार हम आरओ और एआरओ घोटाले को लेकर बात कर रहे हैं। जिस तरह से विधानसभा और विधान परिषद में इस तरह का घोटाला किया गया है 87 पदों की भर्ती के लिए, ऐसे में अभ्यर्थियों के साथ ही साथ अब ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंचा है। देखना होगा कि 5 जुलाई को सरकार जब अपना जवाब हाईकोर्ट को सबमिट करती है तो किस तरह का फैसला इसमें निकल कर सामने आता है। उससे पहले हम चर्चा कर रहे हैं हमारे साथ लगातार मनीष पांडे जी, रेजिडेंट एडिटर, इसके साथ ही साथ अनिल त्रिपाठी जी, सीनियर अधिवक्ता, और साथ ही साथ नरेश, अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं। नरेश, आपके पास यहाँ पर आएंगे और जिस तरह से हम लगातार इस मामले को समझने का प्रयास करें, मनीष जी ने हमें काफ़ी डिटेल में तमाम चीज़ें समझाई हैं। आपकी परेशानी, आपका दुख क्या है, किस तरह से आपने अप्लाई किया था, और साथ ही साथ जो धांधले की बात आ रही है वो सबसे पहले आपके सामने कैसे आई? ये वैकेंसी ना अक्टूबर और दिसंबर के महीने में आई थी, पहले विधान परिषद की आई थी फिर विधानसभा की आई थी। तो हम लोग इसका पेपर देने गए। हेलो जी, आपकी बात पूरी करें, आपको सुन पा रहे हैं हम। हाँ जी मैम, तो हम पेपर देने गए लेकिन वहाँ पे सेंटर पे क्या था ना, कुछ बच्चे ब्लैंक कॉपी छोड़ रहे थे। हमने शिकायत वहाँ पे की जो एग्जामिनर थे, तो फिर चलो मैंने कहा कोई बात नहीं। जब हम मेंस देने लखनऊ गए तो वहाँ पे भी यही हुआ ड्रामा, वहाँ पे भी सब बच्चे ब्लैंक कॉपी छोड़ रहे थे। तो हमने तभी वहाँ पे शिकायत करी और काफी बच्चों की ब्लैंक कॉपी काटी गई वहाँ पे, लेकिन कुछ बच्चों की नहीं काटी गई। पुलिस भी आएगा लेकिन आपको पता है कि पुलिस ज्यादा दबाव बनाने लगी, ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा करके हमें धमका के वहाँ से भगा दिया। लेकिन हमने इसकी शिकायत आने के बाद जिन बच्चों ने ब्लैंक कॉपी छोड़ी थी, जो उनके बच्चे पास बैठे थे, हमने सबकी शिकायत ना मुख्यमंत्री जी को, राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, विधानसभा विधान परिषद को, सबको करी। डीएम साहब को भी करी थी जो वहाँ के वो थे, और एसएसपी साहब को भी करी थी कि सर इन बच्चों ने ब्लैंक कॉपी छोड़ी, लेकिन कुछ नहीं किया गया। फिर क्या हुआ, जब हम टाइपिंग देने गए तो वही बच्चे फिर आ गए टाइपिंग देने भी, जिन्होंने ब्लैंक कॉपी छोड़ी थी। हमने फिर दोबारा शिकायत करी कि सर ये दोबारा भी आ गए, इसका मतलब पूरी की पूरी भर्ती ना पहले से सेटल थी, किसको ये जॉब देनी है। हमने सोचा कुछ नहीं होने वाला है क्योंकि मुख्यमंत्री जी सुन नहीं रहे थे, कोई भी नहीं सुन रहा था, ना मुख्यमंत्री जी सुन रहे थे, ना प्रधानमंत्री जी, ना राष्ट्रपति जी, ना विधानसभा, ना विधान परिषद, कोई सुनने को तैयार ही नहीं था। हम लोगों ने जन सूचना अधिकार का प्रयोग करा, फोन डेली फोन, मैंने 107 फोन करे वहाँ, वो कुछ नहीं बताते, बस कहते थे ये धांधली नहीं हुई है, ये तो बस एजेंसी ने की है, हम इस पर रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है। मैंने कहा सर कैसी बात करते हो, आपने पूरी वैकेंसी कराई आपके लोग इसमें, लेकिन मैम कुछ भी नहीं हुआ इसमें ना, सब लोगों ने अपने रिलेटिव ना वही घुसा दिए, किसी का कोई रिश्तेदार था, कोई किसका रिश्तेदार था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। फिर हमें लगा कि अब कुछ नहीं होने वाला, तब हम माननीय उच्च न्यायालय में गए कि भाई वहाँ तो इंसाफ हो गई होगा। मैम इस सरकार से बड़ी उम्मीद थी, हमने इसको वोट दिया था कि ये सरकार अच्छा काम करेगी, लेकिन इसने पिछले 4-4.5 साल में कुछ नहीं किया। एक तो नौकरी नहीं निकालती, जो निकाले वो भ्रष्टाचार में चली जाती है, और सुनने को तैयार नहीं होती, यदि सुनाएंगे कुछ तो। जी बिल्कुल नरेश जी, आपके पास आएंगे। मनीष जी, यहाँ पर तमाम स्थितियों को समझने के बाद, देखने के बाद, अब यहाँ पर एक बात तो साफ है
कि इस तरह की धांधलियां, इस तरह का भ्रष्टाचार तब तक पूरी तरह से होता रहेगा जब तक कहीं ना कहीं बड़े अधिकारियों का हाथ बना हुआ है, जब तक कहीं ना कहीं शासन प्रशासन में जो बड़े पद पर लोग बैठे हुए हैं उनका कहीं ना कहीं साया उनके ऊपर बना हुआ है। यहाँ पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि एक तो भ्रष्टाचार किया गया है, दूसरी बात जाँच को लेकर मंशा की कमी दिखाई दे रही है। क्या किया जा सकता है यदि व्यवस्था इस तरह की बनी रहेगी, किस तरह से इन अभ्यर्थियों को, बेरोजगारों को न्याय मिलेगा भारतवर्ष में? देखिए प्रियंका, आपने जो कहा क्या न्याय मिल पाएगा नहीं, ये सवाल इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि देखिए क्योंकि दुर्भाग्य ही है हमारे यहाँ का कि जब अगर हमारे यहाँ फॉर्म निकलते हैं तो परीक्षा नहीं होती है, परीक्षा होती है तो रिजल्ट नहीं निकलता है, और रिजल्ट निकलता है तो उसमें कुछ ना कुछ धांधली हो जाती है। ऐसा ही कुछ मामला यहाँ पर भी हुआ है। देखिए पूरा मामला अगर देखा जाए, समझा जाए तो सब कुछ एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि इसमें धांधली हुई है। कोई भी अगर पूरी जो कोई भी परीक्षार्थी जो इस परीक्षा में बैठा है, जिसने परीक्षा दी है, इंटरव्यू फेस किया है या वहाँ तक नहीं पहुँचा है, उसे भी समझ में आता है कि इसमें धांधली हुई है। पहली बात तो बेसिल को काम देने का मतलब सिर्फ इसीलिए था कि जो अपनी चहेती कंपनी है उसे कम से कम हम बेसिल से काम दिलवा सके। हमने पिछला एपिसोड जब दिखाया था, पिछली बार जब हमने इस खबर को उठाया था, तो हमने ये भी बताया था कि बेसिल में इन दोनों कंपनियों में, खासकर TSR डाटा जो प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड है, उस कंपनी की वेबसाइट के स्क्रीनशॉट्स दिखाए थे हमने कि उसने जो जो अपने एक्सपीरियंस दे रखे हैं कि यहाँ यहाँ उन्होंने परीक्षाएँ कराई हैं, अगर उन सिर्फ उसी को चेक करा लिया जाए तो वो सारे फर्जी हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब सारे फर्जी उसके डॉक्यूमेंट थे, उसने गलत तरीके से अपने एक्सपीरियंस लगा रखे, तो उसकी जांच पड़ताल की माफ कीजिए यहाँ पर समय की कमी है, आपसे अनुरोध करूंगी कि अपनी बात को कम शब्दों में खत्म करें। जी बिल्कुल, मैं कह वही बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं पूरी जो धांधली है वो सीधे सीधे साफ तौर पर दिख रही है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, वो मुझे लगता है कि, मैंने पिछली बार भी कहा था कि बड़ा अगर वहां तक मामला पहुंच जाए तो निश्चित रूप से उस मामले में कार्यवाही होती है। लगातार वो कोशिश में लगे रहते हैं कि कहीं किसी भी तरह का दाग सरकार के ऊपर ना लगे या कहीं कोई कलंक सरकार के ऊपर ना लगे। लेकिन ऐसे लोग जो विभाग में बैठे हुए हैं, वो आप ये समझिए कि पिछले 13 साल से, करीब 12-13 साल से प्रमुख सचिव विधानसभा की कुर्सी पर एक ही शख्स बैठा हुआ है। एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन उसको मिलते जाते हैं, लेकिन कहीं कोई उस पर सवाल खड़ा नहीं करता। जबकि अगर थोड़ा सा आप डीप में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे किस तरीके से जो है एज को लेके और तमाम चीजें पहले से ही सच विवादित रहा है। तो ऐसे लोग मुझे लगता है कि जब ऐसे पदों पर, ऐसी कुर्सियों पर रहेंगे तो इस तरह के धांधलियां होती रहेंगी। और अब पूरी सरकार और पूरे जो तमाम लोग हैं, जो पूरा सिस्टम है, वो इसलिए लगा हुआ कि कैसे इस मामले को दबाया जाए, कैसे इज्जत बचाई जाए, कैसे सरकार की इज्जत बचाई जाए। मनीष जी, माफ कीजिएगा, समय का बहुत अभाव है। इस तमाम जानकारी के लिए, साथ ही साथ हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नरेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार हम यहाँ पर ARO और RO भर्ती को लेकर बातचीत कर रहे थे। देखना ये होगा कि 5 जुलाई को जब सरकार अपना जवाब हाईकोर्ट में सबमिट करेगी, उसके बाद हाईकोर्ट से किस तरह का फैसला सामने आता है और क्या इन अभ्यर्थियों को न्याय मिल पाता है, इस पर हम भी अपनी नजर बनाए रखेंगे। फिलहाल हमारे आज के इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए KNews India। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।